हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। ओके, मैं कहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, वी आर इन द कैब और हम जा रहे हैं उमरगांव अपने शूट के लिए। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं पैकिंग वैकिंग करके अपने कैब की वेट कर रहा था, एंड आई सेड बाय टू ज्योति एंड माय टू किड्स, एंड नाउ आई एम इन द कार। सामान रख चुके हैं, अब हम वी आर ऑन द वे टू उमरगांव। और ये है मेरे को आर्टिस्ट सर से हाय, एंड ये हमारे ड्राइवर भैया हैं जो हमें सेफली उमरगांव लेकर जाएंगे। और आई थिंक हमें उमरगांव पहुंचने में तकरीबन भैया 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे सर? हाँ, 3 घंटे लगेंगे अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला या कोई अड़चन नहीं आई बीच में। एंड आई विल कीप यू गाइस विद मी, एंड आज पूरे सफर में हम आपको अपने साथ रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जिससे मैं अपना पूरा फेस ढक सकता हूँ, सिर्फ मेरी आँखें विजिबल होंगी उसमें। वो इसलिए लेकर आया था कि मैं जब भी गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे बैठते ही नींद आ जाती है। लेकिन अब क्या हो गया, अभी इस ट्रैवल में मैं बैठा हूँ आगे वाली सीट पे, ड्राइवर के बगल वाली सीट में। और आप जानते हैं कि अगर आप ड्राइवर के बगल वाली सीट में सो गए, क्यों भैया, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे सोना नहीं होता ना? नहीं नहीं सर, तो अब मैं सो नहीं सकता हूँ, पूरे रास्ते जाग के जाऊँगा। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुझे जागते हुए जाना है 3 घंटे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, मैं गाड़ी में बैठते ही सो जाता हूँ। सो लेट्स सी क्या मैं 3 घंटे सक्सेसफुली बिना सोए उमरगांव तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता। We have just crossed दहीसर टोला का हमने भी क्रॉस किया है। अभी हम बेसिकली क्या हो गया ना, मुंबई से बाहर आ चुके हैं, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी स्टार्ट्स नाउ। अभी तक मुझे नींद नहीं आई है, सो इट्स अ गुड थिंग। बाकी रास्ते देखते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यार, इतने दिन बाद मुझे ये पहाड़ देखने को मिल रहा है। मौसम कितना अच्छा हो रखा है यार। इट इज़ सच अ नाइस फीलिंग टू कम आउट एंड लुक एट द व्यू। बस यार, ये पता नहीं ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी एंड वी कैन गेट बैक टू आवर नॉर्मल डेली लाइफ, नॉर्मल रूटीन, सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। पता नहीं कब ठीक होगा, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से सब ठीक हो जाए यार। मतलब ऐसा लगता है टास्क हो गया, मतलब वो जो छोटी छोटी खुशियाँ थी ना, वो नीचे टपरी पे जाके चाय पीना भी एक बहुत बड़ी खुशी हो गई अब तो, कि वो कब नसीब होगी पता नहीं। Guys, can you see this? ये वो मैकडॉनल्ड्स है, जब जब हम शूट के लिए उमरगांव या आमगांव जाते थे ना, मैं हमेशा यहाँ पे रुका हूँ और मैंने कॉफ़ी पी है या बर्गर खाया, कुछ खाया, कभी को एक्ट्रेस के साथ, कभी अकेले, कभी ड्राइवर के साथ। लेकिन आज मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मतलब सिर्फ आपको दिखाने के लिए रुका हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे कुछ खाने या पीने के लिए नहीं रुक रहा हूँ, बिकॉज सेफ्टी की वजह से। आई एम अवॉइडिंग एज मच एज पॉसिबल टू गो आउट एंड रिमूव माई मास्क। सो या, तो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वो मैकडॉनल्ड्स, बड़ा सुंदर लग रहा है आज तो यार। चलो बाय मैकडॉनल्ड्स। भैया बीच में अगर आपको चाय वाय पीने के लिए रुकना हो तो रुक लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना? ठीक ठीक। या ब्रेक भी लेना हो तो ले लेना आराम से यार, अपना रहेगा ना, आप तो आराम से बैठ जाते हैं और रेस्ट करते हुए जाते हैं। तो भैया लोग का क्या ना, इनको तो 3 घंटे लगातार गाड़ी चलानी होती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो हमें थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए कि अगर उनको एक चाय ब्रेक चाहिए या फिर एक लू ब्रेक चाहिए तो दे कैन इजीली स्टॉप एंड हैव इट। अभी क्या है ना दोस्तों यार, मानसून सीजन आने वाला है या फिर आ चुका है ऑलमोस्ट। तभी देख रहे हो हर चीज़ बस ग्रीन हो रखी है यार, एकदम ग्रीन है, एवरीथिंग इज जस्ट ग्रीन, इट्स ब्यूटीफुल यार। काफ़ी टाइम बाद एक तो बाहर निकल रहे हैं और देखने को ये मिल रहा है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे लगभग मेरे 6 साल के करियर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यार 1.5 से 2 साल उमरगांव में ही बिताए हैं, मैंने उससे ज़्यादा बिताए, लेकिन मैं ये 1.5 से 2 साल वो टाइम कह रहा हूँ जो जितने भी दिन मैंने टोटल शूट किया होगा, मैंने इतने दिन वहाँ पे शूट किया है, एंड आई हैव सीन ऑल द डिफरेंट वेदर्स आते जाते। और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना आने जाने वाला, वो होता है मानसून का टाइम, जहाँ पे हर चीज़ इतनी हरी भरी होती है कि मज़ा आ जाता है देख के। बस एक ही वो है कि हरी भरी तो है लेकिन लोग बहुत कम है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स राइट नाउ। पर लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वसई, वसई रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, वसई ब्रिज के ऊपर है ना, अभी वसई ब्रिज पे पहुंच चुके हैं हम। अभी कितना टाइम और यहाँ से? यहाँ से 1.5 घंटे। 1.5 घंटा यहाँ से, 1.5 घंटा और हमें लगेगा पहुँचने में उमरगांव। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है रोड पर, बिल्कुल खाली है हाईवे, और हम लोग अपनी कंट्रोल स्पीड पर चल रहे हैं, 80-90 पे ही चल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला रहे भैया गाड़ी। और
डेढ़ घंटे में हम पहुंच जाएंगे और अभी तक मुझे नींद नहीं आई, बहुत अच्छी बात है। डेढ़ घंटे और बस नींद नहीं आनी चाहिए। भैया तो अब तो ये फास्टैग वाला सिस्टम चालू हो गया ना? हाँ सर। अभी हम पहुंच चुके विराट टोल नाका, विराट ना सही बोला ना? हाँ, विराट टोल नाका पहुंच गए हम। कितने टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ सर डेढ़ घंटे लगेगा एकदम। एग्जैक्टली भैया बोल रहे हैं डेढ़ घंटा। 7 बजे हम पहुंच जाएंगे। 7 बजे? हाँ। 7 बजे हम लोग उमरगांव पहुंच जाएंगे। चाय ब्रेक के लिए जा रहे हैं भैया। भैया आप चीज़ आपको टेंशन नहीं है, अभी तो बस थोड़ा सा मास्क उतारने भी डर लग रहा है, अदरवाइज मैं तो चाय पी लेता। मन कर रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, एक कप चाय गर्मा गर्म हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं यार, मास्क नहीं उतारना है जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे उमरगांव। अरे भैया हमारे मस्त अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं। पहले क्या मजा आता था ना यार, जब ये सब नहीं था तो अपन रुक जाते थे अपने आराम से, चाय पी लो। टाइम्स हैव चेंज्ड, बस गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों को चाय पीते हुए देखो, आप और कुछ नहीं कर सकते। ऑल द एरिया इज अ ग्रीन जोन तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाई टू टेक द रिस्क। बैठे उमरगांव जाके पियेंगे अब सीधा भैया। इसी बारिश रुकी है और भैया अभी भी चाय पी रहे हैं, तो मैं भी नीचे उतर के एक बार कमर सीधी कर लेता हूँ, थोड़ी सी थक गया बैठे बैठे। हाईवे पर रुकने का ना मजा ही कुछ और है यार, पता नहीं क्यों एक बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग आती है जब आप हाईवे पर रुकते हो ना, आते जाते ट्रैफिक को देखते हो, चाय पीते हो, ऐसा लगता है लाइफ, पता नहीं यार, मतलब कभी कभी हाईवे पे खड़े होकर तो ऐसा लगेगा लाइफ कितनी तेज जा रही है, आप एक जगह पे खड़े हो एंड एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इट इज सो स्टिल, सब कुछ रुक जाता है एकदम। गाइज हम लोगों ने आधा रास्ता क्रॉस कर दिया है और गुड थिंग इज मुझे अभी भी नींद नहीं आई है। भैया आप कितना, 1 घंटा एग्जैक्ट ना? हाँ सर, बस 1 घंटा और हम उमरगांव पहुंच जाएंगे। बारिश रुक गई है अभी के लिए फिलहाल, एंड इट्स गुड बिकॉज हाईवे पे जब बारिश होती है ना थोड़ा सा विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट अभी के लिए बारिश रुक गई है, सो वी आर गोइंग स्मूथली अराउंड 80 की स्पीड पर अपना चल रहे हैं आराम से, एंड विद इन 1 आवर वी विल बी इन उमरगांव। आई थिंक वील टेक 45 मिनट्स मोर टू रीच, पर मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई है, बट आई विल ट्राई कंट्रोल कि मैं सोऊँ ना और मैं बैठा रहूँ। जब भी मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगेगी मैं कैमरा खोल के आप लोगों से बात कर लिया करूँगा कि मुझे नींद आए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको नहीं सोना है तो आप क्या करते हैं जगह रहने के लिए, मतलब मेरे पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मुझे नहीं सोना है और मुझे जगह रहना है, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं पाता मुझसे, मैं तो सो ही जाता हूँ, बट आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या करते हैं जगह रहने के लिए, जैसे एग्जाम्स वगैरह में। अगर मैं जल्दी सो जाता हूँ लेकिन मैं हमेशा जल्दी उठ जाता था, फिर ऐसा नहीं है कि रात रात भर बैठ के पढ़ता था, नहीं जल्दी उठ के पढ़ता था मैं, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था, बेटर लगता था। एंड अभी बात करके अच्छा लग रहा है, नींद चली गई मुझे थोड़ी देर के लिए, तो हो जाएगा। आई थिंक वी रीच उमरगांव एंड आई विल नॉट बी फॉलिंग स्लीप आई एम श्योर। और पिक्चर के दो हीरो हमारे सामने हैं, ये देखिए बिना हेलमेट के लेकिन मास्क जरूर पहना है। मतलब आप हाईवे पे बाइक दौड़ा रहे हो, दो लोग थे पीछे, अभी मैंने आपको दिखाया क्लिप में,
वो हाईवे पे चला रहे हैं बाइक और ऐसे पूरा जिगजैग ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ, पूरे बाल हवा में पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने हैंकी से अपना मुंह जरूर ढका हुआ है भाई, कोरोना से जो बचना है। बाकी एक्सीडेंट हो जाए चलेगा, लेकिन कोरोना से बचना बहुत जरूरी है बॉस। ये आखिरी टोल है गाइस उमरगांव जाने के लिए। दिस इज अ प्लेस कॉल्ड अहूरा। ये रेस्टोरेंट जो है ये पारसी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम होटल है। एंड यहाँ पे अगर आप अहमदाबाद की तरफ जा रहे हो ना मुंबई से, और चारोटी टोला का क्रॉस करने के बाद आपको लगभग 10 मिनट के अंदर अहूरा आ जाता है। यहाँ पे भी नॉर्थ इंडियन कम हर चीज़ मिलती है, और ये पारसी ढाबा है। मटन कीमा अमेजिंग है, अहूरा का मटन कीमा इज़ द बेस्ट मटन कीमा दैट आई हैड जब मैं नॉनवेज खाता था, तब की बात है। और यहाँ पे ना इसके रेस्टोरेंट के बगल में इनकी एक छोटी सी बेकरी कैंडा शॉप है, जो फ्रेश बेक्ड बिस्किट्स, ब्रेड और डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स ये लोग यहीं बनाते हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ से जा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा अहूरा पे, और बेकरी से कुछ ना कुछ लीजिएगा ज़रूर, और मटन कीमा ज़रूर ट्राई करना यार अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो। मुझे नींद नहीं आई अभी भी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं नहीं सोया हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, कम्प्लीटली जगा हुआ हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ा भूख लगनी शुरू हो गई है, कोई नहीं मैं वहाँ जाके खाना खा लूँगा, कुछ ना कुछ खा लूँगा। अभी यहाँ से हमें लगेगा शायद, भैया कितना टाइम और? बस आधे घंटे और लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा हमें यहाँ से अब उमरगाँव पहुँचने में। Guys, we have reached उमरगांव, और the good news is that मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ रास्ते में, जगा रहा। भैया मैं सोया रास्ते में? नहीं सर। आप सोए रास्ते में? नहीं। हाँ, हम दोनों में से कोई भी नहीं सोया रास्ते में, एंड मेरे सैफ भाई भी नहीं सोए रास्ते में बिल्कुल भी। और हम लोग पहुँच गए उमरगांव, अब हम जा रहे हैं सीधा अपनी जहाँ पे हमारा रहने का इंतजाम किया हुआ है। फाइनली वी हैव रीच्ड, हम पहुँच चुके हैं। Guys, this is my room. So this is the hall. Good wall है ये, अच्छी wall है यार, यहाँ पे मैं अपनी video वगैरह shoot कर लूँगा। ये अब enter करेंगे तो this is the kitchen area. Full. ये है bedroom. छोटा सा bed है. This is mirror. This is the toilet. Okay. अब मैं दिखाता हूँ रूम का बेस्ट पार्ट, विच आई ऑलवेज वॉन्टेड एंड ऑलवेज एंजॉयड, एंड दैट इज दिस व्यू। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द हर सुबह यहाँ बैठेंगे। ओके, मैं पहुंच चुका हूं उमरगांव, मैं अपने रूम में हूं, मैं फाइनली अपना मास्क उतार सकता हूं। ओह गॉड, अरे अपना ही चेहरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सेवरीज उमरगांव, मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया है, वो आता ही होगा, तब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूं। एंड ओह माय गॉड, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल यार। आई रियली विश कि ज्योति यहां पर होती और दोनों बच्चे यहां होते ना साथ में। लुक एट दिस व्यू यार, जस्ट लुक एट दिस व्यू। शहर के भीड़ भाड़ से दूर कितना अमेजिंग है यार, वाओ। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर, आई एम गोना जस्ट सिट, रिलैक्स, ईट, एंड आई विल कीप यू गाइस विद मी थ्रू आउट दिस शूट पीरियड दैट आई एम हियर, एंड वी विल हैव अ गुड टाइम हियर, वी विल वर्क। इट्स अ ग्रीन जोन तो हम थोड़े सेफ हैं, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने घर पे हैं और जब तक जरूरी ना हो प्लीज़ बाहर में मत निकलेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, और 3 महीने मुझे काम नहीं किया, हम लोग घर पे बैठे हुए थे। आई हैव टू वर्क इवेंचुअली, वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, बट अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट नेसेसरी, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, अपने ब्लॉग में। टेक केयर।